हेलो एवरीवन, मैं हूं शिरीश और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गमले में ढेर सारी अरबी या टारो उगाने का आसान तरीका, किस तरह से इसके लिए मिट्टी बनाई जाती है, किस तरह की खाद इसे दी जाती है और कैसे इन पौधों की केयर की जाती है, अरबी लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरे 6 महीने के अपडेट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अरबी या टारो को इसकी जड़ यानी कि ट्यूबर के लिए उगाया जाता है। इसके पत्तों की भी सब्जी बनाई जाती है जो काफी टेस्टी होती है। अरबी विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है और सबसे पौष्टिक सब्जियों में से एक होती है। अरबी को कंटेनर में उगाना काफी आसान होता है। अगर आप सही तरीका जानते हैं तो कंटेनर में भी आप ढेर सारी अरबी उगा सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस तरह की अरबी की। ये आधा किलो अरबी है जिसे मैंने 6 दिन पहले भीगे हुए टॉवल में लपेटकर अंधेरे में रख दिया था। स्प्राउटिंग होने तक टॉवल में नमी बनाए रखना होता है। आप देख सकते हैं 6 दिनों में इन सभी में स्प्राउट्स और छोटी छोटी रूट्स भी निकल आई हैं। थोड़ा सा मॉइस्चर मिलने पर अरबी बड़ी आसानी से स्प्राउट होना शुरू हो जाती है। हेल्दी, फ्रेश और बड़े बड़े ट्यूबर्स उगाने से ज्यादा अरबी पैदा होती है। अरबी को आप साल के किसी भी समय उगा सकते हैं, पर फरवरी, मार्च और जून, जुलाई, अगस्त का समय इसे उगाने के लिए सबसे बढ़िया होता है। 5 से 6 महीनों में अरबी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार भी हो जाती है। गमले में अरबी उगाने के लिए आपको वेल ड्रेन्ड और न्यूट्रिशन से भरपूर भुरभुरी मिट्टी की जरूरत होगी। चिकनी या ठोस मिट्टी में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जितनी हल्की और भुरभुरी मिट्टी होगी उतने ही ज्यादा अरबी के ट्यूबर्स मिट्टी के नीचे बनेंगे। अरबी के लिए बेस्ट पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए 50% साधारण गार्डन की मिट्टी, 30% बालू रेत, 20% काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। इसमें 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिला लीजिए जो ऑर्गेनिक फंगिसाइड का भी काम करेगा। ढेर सारी अरबी उगाने के लिए आपको बड़े कंटेनर की जरूरत होगी, क्योंकि इसकी रूट्स काफी ज्यादा फैलती है और मिट्टी के नीचे ज्यादा अरबी बनाने के लिए पौधे को ज्यादा जगह और ज्यादा मिट्टी की जरूरत होती है। इसके लिए 20 इंच या उससे बड़े कंटेनर बेस्ट होते हैं। छोटे से गमले में उगाने पर आपको पत्ते तो काफी सारे मिलेंगे, लेकिन नीचे ट्यूबर्स बहुत कम बनेंगे। मैं इस 24 इंच चौड़े प्लास्टिक फ्रूट क्रेट में अरबी उगाने वाला हूँ। पुरानी फ्रूट क्रेट से इस तरह के बड़े कंटेनर बनाना सीखने के लिए ऊपर दिख रहे वीडियो लिंक पर क्लिक कीजिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी दे रहा हूँ। मैंने कंटेनर में मिट्टी भर ली है। मिट्टी में मिलाई हुई खाद से लगभग 2 महीने तक पौधों को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। अब अरबी के इन स्प्राउटेड ट्यूबर्स को थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2 इंच गहराई पर इस तरह से लगा दीजिए। अब इसे तब तक भरपूर पानी दीजिए जब तक पानी ड्रेनेज होल से बाहर न निकलने लगे। 10 दिनों बाद छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अरबी एक ट्रॉपिकल पौधा है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां इसे 6 से 8 घंटे की धूप मिल सके। तेज गर्मी के मौसम में धूप से बचाने के लिए इसे शेड में रखना चाहिए। 2 महीनों में इसमें ढेर सारे पत्ते निकल आए हैं। अब तेजी से ग्रोथ के लिए महीने में एक बार इसमें 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालते रहें। अरबी के पौधे अब 4 महीने के हो चुके हैं और काफी बड़े और घने हो गए हैं। इसके पत्ते एलिफेंट प्लांट की तरह दिखते हैं। ये सुंदर पत्ते वाटरप्रूफ होते हैं। आप चाहे तो इनकी कुछ पत्तियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। अरबी के पत्तों पर बेसन का पेस्ट लगाकर इन्हें रोल करके उबाल लीजिए। अब इसे डीप फ्राई करके आप टेस्टी स्नैक्स या सब्जी भी बना सकते हैं। अरबी के पौधों में पानी देने का खास ध्यान रखना चाहिए। इन पौधों को नमी पसंद होती है। गमले की मिट्टी काफी जल्दी सूख जाती है, इसलिए मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखने के लिए इसे रोज पानी दीजिए। मिट्टी वेल ड्रेन होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा नमी के कारण इसकी जड़ों में रूट रॉट हो सकता है और इसके ट्यूबर गल भी सकते हैं। 5 महीने बाद इसके पत्ते अपने आप सूखना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं मिट्टी के नीचे ढेर सारी अरबी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो अभी इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अरबी उगाने वाले एक किसान ने मुझे प्रो टिप दी थी। उसने मुझे बताया था कि पत्तों को पूरी तरह से सूखने देना चाहिए, इससे ट्यूबर्स को और भी ज्यादा मैच्योर होने का समय मिल जाएगा। तो मैं इसे 1 महीने के लिए और इसमें लगा छोड़ देता हूँ। अब इसमें काफी कम पानी देना है और जब पत्ते पूरी तरह से सूख जाए तो पानी देना बंद कर दीजिए।
अरबी को इस कंटेनर में उगाए हुए 6 महीने हो चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी पौधे पूरी तरह से सूख गए हैं और इसके नीचे अरबी पूरी तरह से मैच्योर भी हो गई है। तो चलिए इसे हार्वेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं सरफेस के पास उगे हुए ट्यूबर्स में दोबारा स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। इससे निकलने वाले नए पौधों को इस तरह से तोड़ दीजिए। अगर आप चाहें तो अगले सीजन के लिए इन्हीं को दोबारा उगाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों 6 महीने पहले मैंने आधा किलो अरबी उगाई थी और सिर्फ आधा किलो अरबी से मुझे मिला है लगभग 4 किलो हार्वेस्ट, वो भी 100% ऑर्गेनिक। दोस्तों गार्डनिंग से जुड़े आपके कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके अपने इश्यूज पर मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।